आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है, बाइबल में परिवार को बहुत अहमियत दी गई है। परिवार, हम परिवार में कैसे रहें, पति पत्नी का रिश्ता अपने घर में कैसा होना चाहिए, पति पत्नी के द्वारा, पति पत्नी की वजह से घर का माहौल कैसा होना चाहिए, पति पत्नी के व्यवहार से बच्चों पर क्या असर पड़ता है। इसलिए परिवार का असर, पति पत्नी के जो रिश्ते का असर बहुत ज़रूरी है। हम आत्मिकता के रूप में, हम सिर्फ शरीर में देखते हैं पति पत्नियों को, हम शरीर के सुख के लिए पति पत्नियों को भोगते हैं, नहीं, हमें आत्मिक रूप में पति पत्नियों को के रिश्ते को लेकर चलना है। और बाइबल में इसको बहुत, और खासकर नए नियम में, परिवार के बारे में बहुत अहम जानकारी दी गई है और एम्फसाइज किया गया है कि हम परिवार पर, परिवार को हम, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने आप को आत्मिक समझने के लिए हम घर में वैल्यू नहीं करते, कोई भी स्थिति हो अवॉइड करते हैं, पत्नी को, पति को कोशिश नहीं करते कि हम आपस में जुड़ें। हमें आपस में जुड़ना है। मदर टेरेसा ने कहीं लिखा था, मदर टेरेसा ने, कि पति पत्नी जब भी मिलें तो एक दूसरे को मुस्कुराएं। क्या आप मुस्कुराते हैं? घर में आप अपने पति को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराते हैं? आप समझते, जरूरत ही नहीं है यार, पत्नी को देखकर कभी आपने कहा है कि आई लव यू, या पति को देखकर कहा है कि नहीं आप मुझे अच्छे लगते हैं? नहीं, आप समझते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। प्यार को निभाना जरूरी है, प्यार का प्रदर्शन जरूरी है। हमें रिश्तों में प्यार को कम नहीं करना है। रिश्ते हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं दिए कि हम उस प्यार को कम करें या प्यार को इग्नोर कर दें। यार पत्नी को क्या बोलूं मैं, यार तो रोज मिलती है यार, क्या बोलूं इसको, क्या इज्जत दूं, क्या इसके लिए मुस्कुराऊं? बाहर का आदमी आएगा, प्रेज द लॉर्ड, कभी पत्नी को नहीं कहा, आमेन। और ये असर बच्चों पर पड़ता है। आप नहीं समझते हैं, आप जो बोते हैं वो काटते हैं। आप समझते हैं कि मैं बच्चों को समझा दूंगी, ऐसा ऐसा है, आपके पिता ने ऐसा किया, आपकी मम्मी ने ऐसा किया, और बच्चे समझ जाएंगे। बच्चे जो देखते हैं ना, उनका बहुत असर पड़ता है। आप इस चीज़ को मत अवॉइड करिए, बहुत असर पड़ता है। हो सकता है बच्चे आपके सामने पेश नहीं कर रहे, बच्चे के आपके सामने दिखाते कि नहीं नहीं मम्मी को अच्छा लगता है तो ये करो, पापा को अच्छा लगता है ये करता है तो ये करो। सही चीज़ क्या है वो बाइबल बताती है कि हमें सही कैसे जीना है। आज मैं आपको परिवार के बारे में बताऊंगा, आज मैं आपको शादी के बारे में बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉलरेंस लेनी चाहिए, पति पत्नी कैसे चलने चाहिए। हालेलुया। पति पत्नी एक मन एक दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को निभाएं। हालेलुया। उनका रिश्ता एक सा होना चाहिए, ऐसा। हालेलुया। शैतान हमेशा चाहता है कि आपके परिवार में दरार आए। शैतान हमेशा चाहता है कि पति पत्नियों के बीच में दरार आए, लेकिन बाइबल कहती नहीं, पति पत्नी पति के अधीन है, क्योंकि पत्नी का सर कौन है, कौन है? पति है। हालेलुया। और पति का सर कौन है? परमेश्वर। जिस तरह यीशु मसीह कलीसिया के संग जुड़ा हुआ था, पति को भी पत्नी के संग उसी तरह से जुड़ना है। जिस तरह कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है, उसी तरीके से पत्नी को भी पति के अधीन रहना है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। आप लोग उत्साहित हैं, क्योंकि हमें अपने आप से सुधार करना है। हम सब समझते हैं कि हम मुकम्मल हैं, हम पूरे हैं। मैं ठीक हूं, पति ठीक नहीं है। पति कहता है मैं ठीक हूं, पत्नी ठीक नहीं है। नहीं,
हमें अपने आप को, अपने रिश्ते को परमेश्वर की दृष्टि से देखना है कि परमेश्वर कैसे देखता है। आज हमें पति और पत्नी, हम एक पूरक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई है और वो काम नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, पत्नी की वैल्यू है। आज आपका पति बूढ़ा हो गया, कमा नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। प्रेज द लॉर्ड, उसकी अहमियत है। परमेश्वर ने उसको एक अस्तित्व दिया है। हालेलुया। आदम को जब परमेश्वर ने रचा, उत्पत्ति 2:18 से हम अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आदम को रचा और यह देखा कि यह अकेला है। हालेलुया। यह अकेला है और उसको सहायक की जरूरत है। पढ़िए बेटा, कौन पढ़ेगा? उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। बोलिए, ऐसा सहायक, ऐसा सहायक जो आपस में मेल खाए। ध्यान दीजिए इस चीज को। 19वां वचन, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। Praise the Lord। आप सोचिए, क्या 2 मिनट का काम था ये? परमेश्वर ने रचा, उन जानवरों को रचा और वो आदम के पास ले आया। और आदम ने हाथी का हाथी नाम दिया, शेर का शेर दिया, बिल्ली का बिल्ली दिया, घोड़े का घोड़े दिया, और वो नाम होता गया। क्यों होता गया? क्योंकि आदम के मस्तिष्क में उस समय पाप नहीं था, उसके अंदर पाप नहीं था, इसलिए वो ये कर पाया। अगर हमारे अंदर पाप नहीं होगा तो आप नहीं जानते कि हमारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, हम क्या नहीं कर सकते। इतनी इतनी बुद्धि हमें परमेश्वर ने दी है, हम क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। क्योंकि पाप है आपके अंदर, इसलिए आप अपनी उस बुद्धि का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। आदम ने कब ये उपयोग किया? जब वो पाप में नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब उसने लाया, आदम ने लाया, और आदम ने हाथी का नाम हाथी दिया, जानवरों का नाम दिया, लेकिन वचन कहता है कोई भी उसके योग्य नहीं निकला। क्या 19 का? और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेले पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ये सहायक सिद्ध हो सकता है। आदम से पूछा, आदम हाथी तेरा सहायक होगा, शेर तेरा सहायक होगा, चूहा तेरा सहायक होगा, बिल्ली तेरी सहायक होगी। उसने नाम तो रख दिए, लेकिन उसने कहा नहीं परमेश्वर, ये सहायक नहीं है मेरा, जो आप लेकर आए हैं जानवर, ये मेरा सहायक नहीं है। परमेश्वर ने पूछा क्यों, क्यों ये तेरे सहायक नहीं है? आदम ने कहा क्योंकि इनके अंदर मेरा स्वभाव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कौन आपका सहायक हो सकता है? जिसके अंदर आपका स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड। आप कभी कभी उस रिश्ते को खोजते हैं या उससे प्यार कर लेते हैं जिसमें आपका स्वभाव नहीं मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियन 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। असमान जुए में मत जुतो। असमान जुआ, असमान जुआ क्या है? एक ही स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों असमान जुआ है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक किसान अगर बैल जोत रहा है तो एक एक तरफ बैल रखेगा और दूसरी तरफ बकरी नहीं रखेगा। जोतते समय
Amen. जब एक किसान बैल जोतता है, अपना खेत जोतता है, तो एक तरफ बैल रखेगा और एक तरफ बकरी रखेगा? नहीं, आप असमान जुए में जत ही नहीं सकते। इसलिए उसने कहा जो हाथी है तेरा मेल खिला तेरे साथ चलेगा? नहीं, हाथी है। हो सकता है कई बार आप किसी से प्यार करें, बहुत बड़ा हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसका स्वभाव क्या आपसे मिलता है? प्रेज द लॉर्ड। हमें उससे विवाह करना है, हमें उससे मेलजोल करना है जिसके अंदर हमारा स्वभाव हो। अगर आपके अंदर वो स्वभाव नहीं है तो आप उसके संग चल नहीं सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए स्वभाव का होना जरूरी है। इसका 15 पढ़ो, 6-15। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? Amen. शैतान का और मसीह का कोई भी मेल नहीं है। हालेलुया। पहला तिमोथियस 2:13-14 बाइबल कहती है कि जो पुरुष है वो सिर है। पुरुष के अधीन स्त्री का होना बाइबल तय करती है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि हम स्त्री नीचे क्यों है, पुरुष ऊपर क्यों है। हालेलुया। देखिए पढ़ते हैं, पहला तिमोथियस 2:13। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई। हाँ, क्यों? क्योंकि आदम पहले आया इसलिए वो पहला है। हालेलुया। वो अप है, वो सिर है। प्रेज द लॉर्ड। और स्त्री बाद में आई, वचन कहता है। 14वां और आदम बहकाए न गया पर स्त्री बहकाने पे आकर अपराधिनी हुई। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए स्त्री का अधीन होना जरूरी है। पहला पत्रस 3:1 पढ़िए, जल्दी पढ़िए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाले हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो। Amen. पतियों के अधीन रहो। इफिसियों 5:22-23, 22-24। हे पत्नियों, पति के अधीन रहो। हाल अधीनता का मतलब गुलामी नहीं है। यहाँ पर पति के हमें अधीन रहना है और उसके अनुसार चलना है, उसको बताकर चलना है। आगे बोलिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमेन, हालेलुया। अब जैसे प्रभु के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या आपको गुलाम समझा हुआ है? आप गुलाम है नहीं, लेकिन हम प्रभु के भय में सारे काम करते। हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा से चलना है। इसलिए पत्नियां जो हैं अपने पति के अधीन रहें, उससे मशवरा करें, उसके अनुसार चलें, उसको बताएं, उसको इज्जत दें, उसको मान दें, उसके साथ चलें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। हाँ। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। आमेन। क्यों? क्योंकि पत्नी का सिर कौन है? पति। ये मत भूलिए, ये किसने ठहराया है? परमेश्वर ने, ये परमेश्वर ने ठहराया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पति जो है पत्नी का सिर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति आप अपने आप को समझे कि साहब तुर्रम खां, नहीं, उसको भी पत्नी का ख्याल रखना है। हालेलुया। 24वां पढ़ो। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25वां पढ़िए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम का मतलब क्या है? कि आप उसकी छोटी सी छोटी बातों को समझिए, उसके मन को समझिए, उसकी इच्छाओं को समझिए, वो क्या चाहती है उसको समझिए। ये नहीं कि आप अपनी बात करते जाएं। पत्नियों की भी आप इच्छा को पूरा करिए। जेनेसिस 3:1 निकालिए। अब देखिए क्यों है ये सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए संबंध पति पत्नी का कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, क्यों शैतान आपके बीच में काम करने की कोशिश करेगा। जेनेसिस उत्पत्ति 3:1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धृत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा। अब देखिए ना खाना, स्त्री ने सर्प से कहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि शैतान आपके बीच में आना चाहता है।
अगर आपने रास्ता दिया तो शैतान बीच में आ जाता है। हव्वा को शैतान ने कहा कि क्या परमेश्वर ने तुझे क्या अनुमति दी है कि इस वाटिका के फल को मत खाना? हव्वा को क्या कहना चाहिए कि मेरे पास एक सिर है, मेरा पति है, मैं उससे मशवरा करती हूं। अगर पत्नी पति से मशवरा करती तो आदम बता देता और ये पाप ही नहीं आता। शैतान चाहता है कि वो आपके बीच में घुस जाए और आपके बीच में घुसकर आपके अंदर अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है। पति पत्नी एक मन एक तन है, कभी भी मौका मत दीजिए अपने अंदर उस शैतान को आने का। वो कैसे आता है? आपके अंदर ईगो लाकर। वो कैसे आता है? आपके अंदर अहम पैदा करके, आपके अंदर घमंड लाकर शैतान आता है और आप घमंड में आ जाते हैं। कहीं भी कोई भी बात हो पति पत्नियों में, कहीं भी कोई भी आप किसी आपने अगर आप अपनी पत्नी को गुस्सा किया है, अगर आपने उसको दो बातें सुनाई है और आपको लगता है उसी समय क्षमा मांगिए, उसी समय क्षमा मांगिए अपनी पत्नी से, उसी समय क्षमा मांगिए अपने पति से। जैसे ही आप क्षमा मांगेंगे वैसे ही आप एक हो जाएंगे। आपको अलग कौन कर रहा है? अहम। आमीन। आपको अलग कौन कर रहा है? अहम। प्रेज द लॉर्ड। यही तो शैतान चाहता है कि वो आपके अंदर घुस जाए, आपकी जो एकता है, आपकी जो संगठिता है, उसको वो तोड़ दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबब देशक 4:12 पढ़िए जल्दी से। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, हाँ। परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, हाँ। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती, हाँ। तीसरी जो है डोरी, वो अगर आपके बीच में आती वो टूटती नहीं है। तो तीसरी डोरी कौन है? यीशु मसीह। अपने अंदर यीशु को रखिए। अब आप कैसे यीशु को रखेंगे? अब आप कहेंगे यीशु को कैसे रखेंगे? आप प्रार्थना करके परमेश्वर हमारे बीच में आए, परमेश्वर हमारे बीच में आइए, आप हमारे बीच में रहिए, आप हमारे घर में रहिए। कैसे रहेगा परमेश्वर? अगर आपके अंदर यीशु का स्वभाव है वो आपके साथ रहेगा। आपको जोड़ेगा कौन? यीशु का स्वभाव। यीशु आपके अंदर कैसे रहेगा? आपके परिवार में कैसे रहेगा? पति पत्नियों के बीच में कैसे रहेगा जब आप उसके स्वभाव के अनुसार चलेंगे? यीशु मसीह ने क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने पति की गलतियों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप अपने पत्नी की गलतियों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप ईगो में उसको नाराज किए जा रहे हैं, क्षमा ही नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4:26-27। हेलो, आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हैं आप? ये मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। आज ये हर घर में हो रहा है और हर घर में शैतान काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हम उससे निकलें? 4:26-27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने पर तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। पाप आपका क्या है? क्षमा ना मांगना, क्षमा ना करना, ये पाप है। आपने क्रोध किया पत्नी से, कोई बात नहीं। आपने क्रोध किया पति को, कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्षमा नहीं मांगी, ये पाप है। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। जब आप क्रोध करते हैं और क्षमा नहीं मांगते हैं, आप सॉरी नहीं बोलते हैं कि सॉरी यार, आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई यार, गुस्से में मैंने ऐसा कुछ कह दिया, आई एम सॉरी, खत्म। आपने पाप नहीं किया। लेकिन आप क्या कहते हैं? अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं क्यों बोलूं, उसने कहा है, मैं तो कमाती भी हूं, वो भी कमाता है, मैं भी कमाती हूं। नहीं मेरे भाई, ये चीज कौन ला रहा है आपके अंदर? शैतान। अहम कौन ला रहा है? शैतान। घमंड कौन ला रहा है? शैतान। आप समझ रहे हैं कि मेरा नुकसान क्या हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आपका ही नुकसान हो रहा है। शैतान आपके घर में आ रहा है, और शैतान जब आपके घर में आ रहा है तो वो आपके घर से आपके बच्चों में जा रहा है। आपके परिवार की जो अखंडता है, आपके परिवार की जो बरकत है, जो शांति है, वो उसको भंग कर रहा है, और आप समझ नहीं रहे।
इंसान समझता है वो शांति और शांति हो जाएगी भंग, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। जो दिखता है अगर आप उससे प्यार नहीं करते, उसको माफ नहीं करते, तो जो नहीं दिखता है उससे कैसे प्यार करेंगे आप? प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सिद्ध हैं? कितने यहां पर सिद्ध हैं? कोई सिद्ध नहीं है। हर में हर एक की गलती है, हर एक में कमियां हैं। आप में आपके कमी का रूप दूसरा है, सामने वाले की कमी का रूप दूसरा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें एक दूसरे का पूरक बनना है। बाइबल कहती है कि आपके अंदर एक टॉलरेंस होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर सहनशीलता का गुण नहीं आता है, तब तक आप परमेश्वर के यीशु के स्वभाव में नहीं आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 16 का 21 अगर मैथ्यू 16 का 21 हम पढ़ेंगे, तो जहां पर यीशु मसीह कहता है कि अब मैं यरूशलेम जाऊंगा और महायाजक मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारा जाएगा, मुझे कूटा जाएगा और मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा। हालेलुया। कोई पढ़ सकता तो जल्दी पढ़िए अगर आपने निकाला है तो। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाऊ और मार डाला जाऊ और तीसरे दिन जी उठू। अब यहाँ पर पतरस जो उसका चेला था, चहेत चेला है, वो क्या कहता है? यीशु मसीह को अकेले ले गया और वो क्या कहता है? 22वां पढ़िए, 22वां जल्दी पढ़िए। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। 23वां उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन। देखिए यीशु मसीह सबके सामने बोलता था जो कुछ, उसकी प्रशंसा की सबके सामने की, और यहां पर उसको कहा है, शैतान तू मेरे ठोकर का कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी अगर कोई संगति आपको ठोकर खिलाती है तो वो संगति अच्छी नहीं है। चाहे आपका दोस्त हो, बचपन का दोस्त हो, लंगोटिया यार हो, कोई भी हो, अगर आपको वो संगति सही, अगर आपको ठोकर कहलाती है तो वो संगति सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर शैतान कहा, यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा सबके सामने कि शैतान हट, तू मुझे ठोकर कहला रहा है। आज आप किसी अपने बच्चे को शैतान कह दें, बात नहीं करेगा आपसे। अपनी पत्नी को बोलिए, अपने पति को बोलिए, बात नहीं करेगा आपसे कि आपने शैतान कैसे कहा मुझे। आप पास्टर हैं, पास्टर के मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है? आप तो अगवे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहीं पर दूसरी जगह अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 12 में, जब मरियम जटाधारी का इत्र लेकर आई थी और वो यीशु मसीह पर लगा रही थी, वहां पर बताया गया है कि जब वो इत्र लगा रही थी तो बहुत लोगों ने कहा, यहूदा इस्करियोती ने कहा कि ये इत्र की इतना पैसा वेस्ट हो रहा है और इतना पैसा वेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, ताकि हम गरीबों को बांट सकते हैं। और यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को प्यार से कहा। देखिए वहां पर टॉलरेंस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर शैतान बोला उसने पतरस को कि शैतान, यहां पर यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को प्यार से बोल रहा कि यहूदा छोड़ उस बात को, छोड़ो छोड़ो, उसको कुछ मत कहो, छोड़ो, ये सब कुछ मेरे गाड़े जाने के लिए वो कर रही है। और यहूदा इस्करियोती को लूका में पढ़ेंगे आप, उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा ये क्या आदमी यार, इसके संग तो हम रह नहीं सकते, और वो गया और महायाजकों को यीशु मसीह को बेच दिया और 30 दिनार के सिक्के ले लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में टॉलरेंस होना चाहिए। लेकिन शैतान कहने के बावजूद भी पतरस के अंदर टॉलरेंस था, और जब पिंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, वही पतरस था जब उसने 15 मिनट का भाषण दिया और 3000 लोगों ने आशीष पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही था यहूदा इस्करियोती ने, जिसने टॉलरेंस नहीं किया, जिसने सहनशीलता नहीं की, वो आत्महत्या उसने कर ली। पति पत्नियों के बीच में एक सहनशीलता जरूरी है। अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है पति के लिए या पत्नी के लिए, शैतान आपके जीवन में काम करेगा ही करेगा।
मरियम के बारे में आप जानते हैं, यीशु मसीह को जन्म देने वाली माता मरियम, हालेलुया, उसने उसको जन्म दिया। मती के अध्याय में देखें, लूका में देखें कि हेरोदेस की वजह से वो भागती रही, मिस्र में छुपती रही, अपने बच्चे को छुपाती रही, अपनी जान को जोखिम में डालकर यीशु को छुपाती रही। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने यीशु को बड़ा किया, लेकिन जब यीशु बड़ा हो गया, काना की शादी में जब मरियम ने कहा कि दाखरस खत्म हो गया है, यीशु मसीह ने क्या कहा, हे नारी मुझे तुझसे क्या काम। माँ को नारी कहा, अरे मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तेरे लिए कितनी कुर्बानी दी है और कितना जोखिम उठाया है, तूने हे नारी कहा। और अगर पूरी बाइबल पढ़ेंगे, मरियम के सिर्फ दो वचन है, दो ही बार वो बोली है। अगर पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो तीन बार, एक बार यीशु मसीह अपने दोस्तों के संग बैठे हुए थे, अपने चेलों के संग बैठे हुए थे, उसकी माँ और भाई आते हैं और कहते हैं कि साहब हमें यीशु मसीह से मिलना, और यीशु मसीह ने कहा नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही मेरी माता है, वो मेरे पिता है। और अंत में जब क्रूसीफाइड हुए थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने मरियम को कहा था कि यूहन्ना को दर्शाता था कि यह है तेरा पुत्र नारी और यह है तेरा बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए वो कितनी महान औरत थी, उसने बुरा नहीं माना, उसके पास बुरा मानने का कारण था। मरियम के पास बुरा मानने का कारण था कि यीशु मसीह को उसने जन्म दिया था, और यीशु मसीह उसे नारी कह रहा था, मां नहीं कह रहा था। हेलो, अगर आपका पति किसी सभा में, आप गए हैं किसी की एंगेजमेंट में, और आपसे कहा ए नारी इधर आओ, कहे आता यार सबके सामने मैं इनकी पत्नी और नारी बुला रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसकी कहीं निगाह किसी और के ऊपर तो नहीं है, कि गलत तो आदमी तो नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, वो यीशु है, जरूर कुछ उसने सोचा होगा। हालेलुया। हमारी पत्नी अगर हमें कुछ कहती है, हम क्यों नहीं समझते कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, चुप रहो। पति कुछ कहता है तो पत्नी क्यों नहीं चुप हो जाती कि नहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बात होगी, क्योंकि हम शैतान को रास्ता देते हैं कि वो आपके घर में आ जाए। हमें शैतान को रास्ता नहीं देना है। पति पत्नी को एक मन एक दृष्टिकोण के संग रहना है, उसको रास्ता नहीं देना है। अगर आप रास्ता देंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो शैतान आपके घर में काम करेगा। आप पति पत्नी तो हैं, लेकिन पति पत्नी की तरह रह नहीं रहे आप, और यही शैतान चाहता है। शैतान यही चाहता है कि आप पति पत्नी रहें, आप पति पत्नी की तरह रहे नहीं। उससे क्या होगा, जो परमेश्वर का आशीष है वो आप खो देंगे, आप परमेश्वर के आशीष को खो देंगे, आप परमेश्वर की योजनाओं को खो देंगे अपने जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पत्नी अपने पति के सामने दीन रहे, अधीनता के साथ रहे, और पति भी उसकी प्रेम करे, पति भी उसको प्रेम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं कि पति कुछ भी बोलता रहे, हालेलुया। तो पति पत्नी का एक मन एक दृष्टिकोण के संग रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के लिए रहना। अगर पति पत्नी बनकर आप एक दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं, आप एक दूसरे को महत्व नहीं देते हैं, आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे। क्यों एक समय में पत्नी कहती है कि मैं मुकम्मल हूं, पत्नी कुछ नहीं, पति कुछ नहीं है। क्यों पति एक समय में समझता है कि पत्नी कुछ भी नहीं है, मैं हूं। नहीं मेरे भाई, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ कमियां आप में हैं तो कुछ कमियां आपकी पत्नी में हैं, कुछ अच्छाइयां आप में हैं तो कुछ अच्छाइयां आपके पत्नी में भी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने योजना बनाई है, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ही है जो रिश्ते बनाता है। इसलिए जब परमेश्वर आदम के पास उन जानवरों को ले गया कि इन जानवरों में से उसका मैं सहयोग बनाऊं, उसका मैं सहायक बनाऊं,
और आदम ने मना कर दिया कि इनमें से कोई मेरा सहायक नहीं है परमेश्वर, क्योंकि इनके अंदर मेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को नींद में डाल दिया और उसकी पसली में से एक हड्डी निकाली और उससे हवा बनाई। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर में से, सिर की हड्डी में से हवा को नहीं बनाया ताकि वो घमंड कर सके, नहीं, नहीं पैर की हड्डी में से हवा को बनाया ताकि वो कहीं गुलामी का चित्रण ना आ जाए कि आदम गुलामी ना बने। उसने हवा को दिल की पसली से, जहां पर हार्ट है वहां से उसको बनाया ताकि आदम और हवा एक साथ रहें, आदम के दिल के करीब उसकी पत्नी रहे, पति के दिल के करीब उसकी पत्नी रहे। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए आदम ने स्वीकार किया कि हाँ, ये मेरी हड्डी का मांस है, ये है नारी, क्योंकि वो स्वभाव उसके अंदर जरूरी है। इसलिए आप अगर किसी से प्यार करते हैं, जो नवलोग हैं, जो युवा हैं, आपकी शादी होगी, बहुत जरूरी है कि आप स्वभाव को देखिए कि आपका स्वभाव एक दूसरे से मिलता है कि नहीं मिलता है। इसलिए बाइबल कहती है असमान जुए में मत जुतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, असमान जुआ हमें दूर करता है और समान जुआ हमें लेकर आता है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसे पति पत्नी अपने आप को जांचिए, शैतान को मत रास्ता दीजिए कि वो आपके घर में घुसे और आपके शांति को खो दे। हालेलुया। आज का वचन छोटा था लेकिन जरूरी था, मेरे मन में बोझ था कि मैं पति पत्नी के रूप में भी, पति पत्नी के संबंधों के बारे में, परिवार के संबंधों के बारे में भी आपको पता चले। हालेलुया। आशीष पाया आपने, जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। को बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।